लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पलक, मैं आ रहा हूँ, रुको। डॉक्टर, ये अभी अभी कोमा से बाहर आए हैं। पेट्रोल के डिम नीचे। कितनी देर हो गई इन्हें इस तरह? इन्हें एक घंटा हो गया है। इन्हें अंदर लेके चलो। क्या हो गया पलक? Are you okay? मुझे गिल्ट फील हो रहा है। क्यों? विक्रांत, मैंने तुम्हें धोखा दिया। I kissed Ritwik. विक्रांत, I need to walk out of this marriage. जिया हैज बीन इन अ ट्रॉमा, सो हल्के से भी स्ट्रेस या पैनिक से उसे एस्थमा अटैक आ सकता है। देखिए, जिया को बस खुश रखिए, वो अभी छोटी है, उम्र के साथ ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। मुझे लगता है जितनी जल्दी हो सके जिया और दिया को ऋत्विक के साथ फ्रेंडली होना चाहिए। आसान नहीं होगा विक्रांत, उनके लिए तुम्हें उनके पापा हो और But we can try. चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो चलो। अरे दारी दादी, सैंडविचेस दो ना, बहुत भूख लगी है। और पैक भी कर देना, मैं दिल्ली निकल रहा हूँ एक घंटे में। अरे ऋत्विक, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो तुम? तुमने पलक को थैंक्स बोला? क्यों? For saving your life. I'm sorry. Isn't that her job? उसका काम है। Yeah, but when you are home, इसने तुम्हारी जान जंगल में बचाई। और आज तो इसका बर्थडे भी। Happy birthday then. और thanks. Thank you. तुम दोनों को जंगल से जान बचाने की। और बर्थडे गिफ्ट? बोनस चाहिए, सैलरी बढ़ा दूं, क्या करूं? आई एम जोकिंग, टेक अ डे ऑफ, आई विल मैनेज। पर सिर्फ डे ऑफ से काम नहीं चलेगा। मैं सोच रहा था कि पलक को अच्छे से बर्थडे लंच के लिए ले जाऊं। ठीक है, पर क्या तुम एक दिन के लिए जी और दिया को संभाल सकते हो? नो, एक्चुअली उन दोनों को यहीं रख दो, विल बी वेरी हैप्पी। मैं प्लेन से कूदने जा रहा हूं। एक्सक्यूज मी, व्हाट? पैराग्लाइडिंग करने हैं। मैं और तारी दादी सुशीला जी से मिलने जा रहे हैं, बच्चे वहां जरूर बोर हो जाएंगे। जाएंगे। अच्छा अच्छा। All right. कोमा से निकल गया तो इससे भी निकल जाऊंगा। बर्थडे इतना तो कर ही सकता हूँ। Great. चलो चलते। अरे आओ। So basically I dressed as a bride. लेकिन शादी-वादी कुछ हुई नहीं। हमारे फैमिली में ना ट्रेडिशन है मंडप पे ही शादी टूटने की। रीवा दी का बॉयफ्रेंड ना उसे छोड़ के भाग गया। फिर रिकी भाई की एंगेजमेंट टूट गई बिकॉज़ ही लव्ड पलक। Then भाई fell into a coma and पलक भाभी got married again. लेकिन अब अंदर का शुरू हो गया जी। अच्छा, आई विश हम कोई फिल्म देख लेते। एक काला है अब हमें। आई डोंट वांट टू हैव दिस। तीसरा शेक चेंज करवाया तूने? मुझे वनीला शेक चाहिए। I don't like him. Vanilla milkshake. एक और। Ritwik Noon. परी। Hey. Yes. परिणीता। परी। तुमने तो मुझे नाम दिया था। Of course. तब तुम परी जैसी दिखती भी थी। अच्छा, tell me one thing. Are you married or single? Pretty much single. एक काम करते ना, मैं भी तुम्हें तुम्हारी टेबल पे ज्वाइन करती हूँ। तुम जाके बैठो, मैं भी ऑर्डर लेके आती हूँ, ओके? सुनो शतानो, मुझे तुम दोनों की हेल्प की जरूरत है। वो लड़की देख रहे हो ब्लैक में? वो हाँ, वही मुझे उसे अवॉइड करना है। तुम दोनों को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, ओके? नो, 10 मिनट के लिए ना, सिर्फ 10 मिनट के लिए। यू हैव टू प्रिटेंड कि तुम दोनों मेरी डॉटर्स हो। लेकिन हमें क्या मिलेगा? ओह, बार्गेनिंग, ब्रिंग इट ऑन। मैंने ऑनलाइन एक डिजिटल वॉच देखी थी। आई वांट माय स्नीकर्स। इट्स अ डील लेडीज। ये कहाँ है? हम तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. तो तुम एक और साल बूढ़ी हो गई. Wiser. यही तो प्रॉब्लम है कि तुम हमेशा वाइजर रहती हो. कभी बेफिक्र बेतकल्लुफ बेखौफ तो बनो. तुमने काफी अच्छा आइडिया लगाया जियादिया को ऋतिक के साथ भेज के. हैंडल नहीं कर पाएगा वो उन दोनों. हाँ पर हम ट्राई तो कर सकते हैं. पापा यू आर द बेस्ट. लव यू. हाय परी. हाय माय एंजल्स. तुमने तो वहां बोला था कि तुम सिंगल हो. ये मेरे लिव इन बच्चे हैं. इट्स 2020 बेबी. हम दोनों ना एकदम एक जैसे. टू गुड. मेरे भी ना दो बच्चे हैं. एंड यू नो व्हाट, जब दो मिलेंगे ना तो दो और प्रोड्यूस करेंगे. पापा जियो को वॉशरूम जाना है. ऑफकोर्स वॉशरूम. नो पापा नंबर टू. नंबर टू सीरियस. दिस इज तुम यहीं बैठो. ऑर्डर फ्रेंच फ्राइज. मैं इनको लेके आता हूँ. ठीक है. लेकिन वॉशरूम तो उस साइड है ना. मेंस वॉशरूम. अच्छा. ऋत्विक. थैंक यू लेडीज. सुनो जब बड़ी हो जाओगे ना ऐसी चिपकू टाइप की मत बनना. लड़के है ना इरिटेट हो जाता है. आपके जैसे भी कोई बनना नहीं चाहिए. बच्चे इरिटेट हो जाते हैं. एक सेकंड. हेलो हेलो. क्या क्या कैसे. जी हाँ बेटा कुछ नहीं हुआ है. इट्स ऑल राइट. तुम्हें कोई चोट नहीं लगी है. वो मैंने जानबूझ के किया. वो जो जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना बैंग. मैंने जानबूझ के तुम लोगों को हंसाने के लिए किया. तो मुझे थोड़ी पता था कि तुम लोग रोगे. जिया को अस्थमा आया. पापा को कॉल करना. पापा को फोन कर दिया मैंने. जिया कुछ नहीं होगा. मैं हूँ ना यहाँ पर. मैं ख्याल रखूंगा. ये लो चॉकलेट खा लो. हाँ रोना मत. तुम्हें कुछ नहीं होगा. तुम लोग ठीक तो. गाइस आई एम रियली रियली सॉरी यार. मुझे लगता है कि इतनी जल्दी मुझे बच्चों के साथ ऐसे गाड़ी चलानी नहीं चाहिए थी यार. अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है. वेरी सॉरी. नहीं नहीं ऋत्विक. वी नो इट वाज एन एक्सीडेंट. तुम खुद ठीक हो. हाँ आई एम एब्सोल्युटली फाइन. आई एम सॉरी. बर्थडे खराब कर दिया मैंने. चले चलो. मैं सोच रहा था कि कल किसी तरह बच्चों को बता के यहाँ से चला जाऊं. आई एम श्योर ऋत्विक को सब कुछ याद आ जाएगा बहुत जल्दी. नहीं नहीं विक्रांत. क्यों. सबको जरूरत है तुम्हारी. फैमिली को. बच्चों को. मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे. तुमने अपनी आदत डाल दी है यार. तुम्हारे बिना खुद को संभालना नहीं आता हमें. मैं तुमसे ये जो एक्सपेक्टेशंस रख रही हूँ वो बहुत गलत है. बट तुम्हें ठीक लगता हो तो जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता कैन यू स्टे. तुम रुक सकते हो. फलक एक बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम ऋत्विक को कभी भुला नहीं पाओगी. जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है. अगर इस रिश्ते में कुछ नहीं है ना तो वो है अधिकार. पर फिर भी दिल कहता है कि ये ठीक है. Can I hug you? Maybe later. Thank you, Hari. Babi, आपने फोन क्यों स्विच ऑफ कर दिया? ऐसे? But don't you think Rohit भाई will be waiting for you there? You want to see उसने क्या होमवर्क किया है? ये देख. ये बनाया है उसने. F मिलेगा मेरे बच्चों को इस पे यार. Let him wait. He deserves it. Hi. Hi. Finally, we meet again. That too same place, huh? What a coincidence.
वैसे काफी देर से नोटिस कर रही हूँ, किसी का वेट कर रहे हो? या एक्सक्यूज मी। यस मैम। सॉरी, मे आई प्लीज गेट अ रिपीट? वैसे काफी दिनों से कॉल नहीं आया तुम्हारा। मेरा नंबर तो है ना? लिसन, शायद आपको पता नहीं, आई एम मैरिड। राइट, नाइस। एंड बाय द वे, दैट्स माय ग्लास। रियली? या। फिर तो क्या मैं तुम्हारा जाम और तुम्हारा गम भी नहीं शेयर कर सकती? मुन्ना, मेरा ड्रिंक रिपीट करना प्लीज। हेलो, वो जो अपनी फिजियो है ना, पलक, आई डोंट लाइक हर। ये बात तो तू मुझे सुबह भी बोल सकता था ना यार। भई यार, मैंने अभी उसको देखा, वो विक्रांत को हक कर रही थी। उसकी आंखों में प्यार था यार। तुझको तो मालूम है ना, ये लड़कियां तो सब फ्रॉड होती है ना, ये तो देयर ऑल गोल्ड डिगर्स, ब्लडी पैसे के पीछे भाग रही होती है सब। रिकी, लेकिन हो सकता है ना वो एक दूसरे को सच्चा प्यार करते होंगे यार। अगर सच्चा प्यार करती है तो मिल जाना चाहिए ना उसको। या ओके, आई एम हंग्री। सेतु, किचन में पड़ा है खाना, गरम करो, खा लो। यू नो व्हाट, मैं वहां वेट कर रहा था तुम्हारा। मुझे बच्चों का प्रोजेक्ट खत्म करना था। किया तो था मैंने, क्लासरूम में मजाक बनता उनका। ड्राइंग देखी है अपनी? यार सेतु, लर्न टू अप्रिशिएट यार, किया तो था मैंने ड्राइंग। क्या बनाया, क्या था तुमने? ना हाथी ना जिराफ। सेतु, काफी टाइम से देख रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, समझी? लाइकवाइज, तुम भी बच्चों की अपब्रिंगिंग को बहुत इग्नोर कर रहे हो। पथेटिक वुमन। गाइस, ये चल क्या रहा है? आई मीन, कल रात को मुझे रिकी का फोन आया था, और वो जिस हिसाब से मुझसे बात कर रहा था, मुझे तो ऐसा लगा कि ही स्टिल फील समथिंग फॉर पलक, बट एट द सेम टाइम वो थोड़ा कंफ्यूज भी साउंड कर रहा था। तो क्या जेलेस है, क्या है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया एग्जैक्टली। मुझे तो ये लगता है कि आप लोगों ने ना भाभी की शादी करा के बहुत जल्दबाजी कर दी है। यार शिवी, तेरे को एक बात समझ क्यों नहीं आती है यार? उस टाइम रिकी भाई कोमा में थे और पलक के आगे उसकी पूरी लाइफ पड़ी थी। दी बात ये है कि विक्रांत और पलक भाभी एक रूममेट की तरह रहते हैं साथ में, और अगर भाभी को उसके लिए कुछ भी फील होता तो वो मूव ऑन कर जाती, राइट? भाई सब कुछ भूल कर भी भाभी को नहीं भुला पा रहे, और भाभी की भी तो जान अटकी है ना भाई में। और वैसे भी आप लोगों को इतना प्रैक्टिकल बनना ही था, अगर तो इतने सालों तक जिंदा क्यों रखा भाई को? अभी 2 साल से कोमा में थे ना, तो मोटर नर्व्स जाम हो गए हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। दूसरा तो, और मेमोरी, पुराने लोगों से मिलोगे, पुरानी जगहों पे जाओगे, तो धीरे धीरे रिकॉल होगा। क्या हम पहले दूसरे को जानते थे? जब तुम कोमा में थे ना, तो मैं तुम्हारी फिजियोथेरेपी करने आती थी ताकि तुम उठकर चल सको। मतलब एनी आईडिया वेयर कैप्ट माय वॉलेट? शायद शिमला से आते हो? हाँ, मेरे पास ही है, दूं? हाँ, दे दूं। मैं भी आती हूँ। डिटॉल है क्या? क्या हुआ? Cut my hand. सौरभ, हेल्प करना उसकी। पलक तो प्लीज। थैंक्स। सुन, तुझसे एक बात पूछनी थी मुझे। बोल। अच्छा हुआ तू आ गई। ये पलक और विक्रांत कब से एक साथ हैं? You know them? Obviously यार, उनकी शक्ल पर दिखता है, सारा दिन तो चिमड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ। They are definitely more than friends. तुझे पता है? तू जब कुमा में था ना, एक कूल सी ऐप आई है। उसका नाम है टिंडर। ट्राई करना है तुझे? तुझे कोमा में डाल दूंगा। आई एम रित्विक नून। आई डोंट नीड टिंडर। टिंडर नीड्स मी। या आई सेकंड दैट। वैसे हाउ इज योर न्यू बॉयफ्रेंड? हां? सही है। यो भाई, व्हाट्स अप? क्या चल रहा है? भूतनी के नॉक करके नहीं आ सकता? अगर मैं और अनन्या कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में होते तो व्हाट कॉम्प्रोमाइजिंग? ऐसा कुछ नहीं है। शर्मा क्या रही है? यू नेवर नो, वी गॉट अ हिस्ट्री टुगेदर। ये ले बीआरपी। डॉक, तुझे मालूम है इसका बॉयफ्रेंड है? कोई बहुत बड़ा लूजर है। भाई आपको कैसे पता कि वो लूजर है? वो स्मार्ट भी तो हो सकता है। स्मार्ट भी हो सकता है, और तू कितना स्मार्ट है? मैं 2 साल से कोमा में था, तो मतलब अपनी बड़ी बहनों की रिपोर्ट लेनी बंद कर दोगी तुम? तुम्हें कैसे नहीं पता? क्या खाक तुम्हारी बहन है वो? बड़ी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम छोड़ दो। We are new, we have to take care of them. सुन, बहुत बड़ा लूजर है। नहीं भाई, मुझे पता है ना, नहीं होगा। झांक झांक के देखता प्रिया भाभी को।
हंस क्या रही है, बता ना कौन? तुझे भी नहीं बताना, किसी को तो बताओ, I'm sure. Guys, I have news. अनन्या किसी लूजर को डेट कर रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ हो आप लोग? क्या हुआ? अरे भाई, वो उसका पर्सनल मैटर है. चुप करना. मेरे जाने के बाद अनन्या has started dating someone और वो बता नहीं रही क्योंकि वो बहुत बड़ा लूजर. अब तुम लोग पूछो. आराम से. ओ प्लीज, अगर ये किसी को डेट कर रही होती है ना तो यहाँ नहीं होती, हमारे साथ नहीं बैठी होती है ना. That's true. हाँ हाँ, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा ना. Annie or long distance, she's too wild. He's such a dog. I know everything. By the way, kaisa hai wo? Bata na. Bilkul tere jaisa. Does he take you to the moon like me? Kind of. Oof. वैसे कहाँ छुपा के रखा है, इतना छोटा है क्या? Like cradle snatching and all. वैसे उसका नाम क्या है? We all want to know his name, right? Shivam. शिवम बोला इसने? बे बहन है उसकी, क्या बकवास कर रहा है? Can you please tell him to shut up? Shut up guys, परेशान मत करो बेचारी को. बेचारी? बेटा जब तक तू पैदा हुआ था ना, चार बॉयफ्रेंड्स थूक चुकी थी. Listen, you're definitely a dog. I know, I was one of them. An honest dog, huh? अब ये सब छोड़ो. सनाया ने मैट्रिमोनियल साइट पे अपना प्रोफाइल बनाया और उसने तो लड़का भी मिल गया. Really? उससे पूछो पहले. मैट्रिमोनियल साइट क्यों? तेरा सर्कल तो इतना बड़ा है यार, इतने दोस्त हैं तेरे तो. I mean, why do we look down upon those who make their profiles on matrimonial sites? वरना तो हम उन्हीं के साथ घूमते हैं जो हमारे limited friend circle में. And that's great. मैं मना नहीं कर रही. But what if there's some really nice person for me out there? लाखों लोग अपने life partners matrimony sites पे ढूंढते हैं. और अभी तक तो हमारी सब chatting वाटिंग हो रही है. तुम लोग तो ऐसे react कर रहे हो जैसे मेरी मंगनी हो गई है. कब मिल रहे हैं हम लोग उसको? He's coming to meet me tonight. You what? शनाया, तुझे याद है ना, तू almost मंडप तक पहुंच चुकी थी and the guy went completely rogue. यार थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा इस टाइम. डोंट वरी, इस बार अच्छी तरीके से इस लड़के की रैगिंग कर लेंगे हम. पता चल जाएगा कैसा है. अच्छा यार, तू ना इनकी बात मत सुन. अगर कोई किसी के लिए बना होता है ना, तो उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता. क्यों रिक्की? पता नहीं यार, मुझे तो ये सारी बातें बकवास लगती हैं. मस्त लग रहा है यार तू. ओह थैंक यू, पंप कर गया हूं. ओह जिम से आ रहा हूं. मेरा तो कोमा में साइज ही उड़ गया सारा. अरे कोई बात नहीं, आजकल लीन ही है ना, और वैसे भी कहते हैं ना, लीन मीन सेक्स मशीन. अच्छा लग रहा है. दैट्स व्हाट शी सेड. सुन, ये सब बकवास कपड़े मैं पहनता हूं. अब उस वक्त का स्टाइल था यार ये, अब थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन हो गया है, बट इट वाज गुड देन. मेरे टेस्ट को क्या हुआ था? और ये तो डैड भी नहीं पहनेंगे, या शायद ये डैड का ही. अरे ऋत्विक, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो तुम? तुमने पलक को थैंक्स बोला? क्यों? For saving your life. I'm sorry, isn't that her job? उसका काम है. पापा, you are the best. Love you. My angels. तुमने तो वहाँ बोला था कि तुम सिंगल हो. ये मेरे लिव इन बच्चे हैं. जब बड़ी हो जाओगे ना, ऐसी चीप टाइप की मत बनना. लड़के है ना, इरिटेट हो जाता है. आपकी रेसिपी कोई बनना नहीं चाहिए, बच्चे इरिटेट हो जाते हैं. सोच रहा था कि कल किसी तरह बच्चों को बता के यहाँ से चला जाऊं. सबको जरूरत है तुम्हारी. Thank you.
अबे क्या हुआ, क्या हुआ? हेलो, ओ कहाँ भाग? वो चिपकली पागल है क्या? बे नकली चिपकली है यार, जिया दिया ने तुझे परेशान करने के लिए रखी थी। अबे चिपकली से डरता है, पागल है क्या? रिकी, रिकी, अबे मेरे को जिम दिखाई से। अबे नहीं, अबे भाई, अबे अबे उसने मेरे को जिम दिखाई। अबे 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 तो क्या हुआ? अरे मुझे लगी ना। अबे तुझे कुछ नहीं हुआ? इतना शोर क्यों कर रहे? अरे हट जा, हट जा, हट जा। अबे मुझे ऊपर आना। अरे अबे कहाँ है चिपकली? केरी इसमें हाथ मत लगाना। अरे पीछे चली गई यार, अब वो छुप गई वो कब? अरे छुप मतलब क्या? मतलब चिपकली है ना, डायनासोर नहीं है ना। एक मिनट डॉक्टर, मैंने वो चिपकली को हाथ लगाया था, मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना। जस्ट सैनिटाइज योर हैंड्स, मैं जय को भेज रही हूँ, वो निकाल देगा इसको। जय सैनिटाइजर निकाल। जय वो कुत्ती वो आ रहा है, जय आ रहा है। लिसन, यू हैव टू गेट ओवर योर हाइपोकोंड्रिया। मुझे भी तो हाइपोकोंड्रिया था, अब ठीक हो गया ना? तुम्हें हाइपोकोंड्रिया था? वो पहले था। पलक। हाँ? वो पानी ना हूं? Sure. Thanks. कसौली के लिए। You know, तुमने अगर मुझे बचाया नहीं होता तो मैं तो फिर वापस चला गया होता। Come on, so just that. You're quite committed as a physio, as a doctor. It's nice. So. Well done. सुनो, कैफे चलोगी तुम मेरे साथ? हाँ? मेरे साथ नहीं, मेरा मतलब है कि वो सब जा रहे हैं शनायक, उसकी उसका टू बी, वी कुड गेट योर प्लस वन, यू नो प्लस वन ला सकती हो तुम? विक्रांत। ऑफ कोर्स विक्रांत। वैसे शनाया ने भी इनवाइट किया है उसे, तो शायद वो आएगा। शनाया ने उसको बुलाया तो तुम आ जाना एक साथ। मैं नहीं, वो अभी डिसाइड नहीं किया, देखेंगे। नहीं किया? कब करोगी? नहीं मतलब सब कुछ डिसाइड करे तो ये भी कर ही लेती। क्या हम पहले कभी मिले? क्यों, कुछ याद आ रहा है तुम्हें? बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ऐसे लगता है कि पहले से जानता हूँ तुम्हें। हम पहले मिले थे, फ्रेंड्स थे, जानते थे कुछ। जब तुम कोमा में थे तो मैं तुम्हारी फिजियो थी ना, हो सकता है सबकॉन्शियसली मेमोरी में कुछ। मेक सेंस। वो मुझे कुछ याद आया, मैं आती हूँ। एनी अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में हमेशा मुझे बता देती थी, इस बार कुछ गड़बड़ है। एनी तेरी बहन है ना? हाँ। तुझे नहीं मालूम कि वो किसको डेट कर रही है? मैं हूँ वो लड़का, मुझे डेट कर रही हो। चूती है, तेरी बहन जैसी है ना वो, तू हेल्प नहीं करेगा? फाइंड आउट हू शी इज डेटिंग, उसके फ्यूचर का सवाल है। नहीं, व्हाट आई थिंक, यू नो, मुझे लगता है कोई रियल सड़ू टाइप्स होगा, इसलिए अनन्या छुपा रही है। आई थिंक शी इज इनटू वुमेन। मुझे तो लगता है कोई स्टंट टाइप का लड़का, और शायद ना उम्र में उससे छोटा, इसीलिए छुपा रही है। अच्छा वैसे, हाँ? आप और शिवम सबको बता क्यों नहीं देते? Why hide? बहन, एक टाइम पे ना एक ही मैच मेकिंग कर सकती हूँ, तो नहीं कर सकती, बता दूंगी जब टाइम आएगा। वैसे ना यहाँ आके आप सबने मुझे और नर्वस कर दिया। अकेले मिलने देते, सब जासूसी करने क्यों आ गए? टिपिकल नून्स। मेरे पास ना एक आइडिया है, मेरे बदले में ना किसी और को ही भेज देते। प्लीज प्लीज प्लीज, कितनी स्मार्ट है तू। लेकिन उसने तेरी पिक्चर देख ली, उसका क्या करे? क्यों उसके पीछे पड़ी है? छोड़ दे इसको, और अपनी बता, FBI लगाऊं क्या तेरे पीछे? लगता है इस बार छूटा है कुछ। एक मिनट, रोहित तो यहीं पे है, तू कह रही थी नहीं आएगा। बोल बोल। पता नहीं, आजकल वो कुछ भी कहता है। सुनो 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 सुनो, आ गया वो लड़का, आ गया वो, चलो गाइस जल्दी जाओ जाओ। ऑल द बेस्ट। अरे तू यहाँ बैठे, बाय बाय बाय, मैं फोन करता हूँ। विक्रांत नहीं है वो?
कडली वडली टाइप्स है ना, थोड़ा सा नर्डी नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है लड़का, सिंसियर होगा घर में भी और नौकरी में भी। तुम्हें लगता है इसे पता होगा बच्चे कैसे होते हैं? Never judge the book by its cover. मुझे नहीं, एक आर्थिक थोड़ा पकाऊ टाइप्स लग रहा है, ये हमारे नून फैमिली लाइक नहीं है। You know what? तुम लोग घर पे भी सब एक हो, ऑफिस में भी एक हो, you know, we need some variety. कोई दिन उनके बाहर हो? Right. जैसे तुम? You look different. In a good way. वैसे, you look the same, like in your profile. I hope. In a good way. Okay. तू कहाँ जा रहा है? अच्छा चाय कॉफी या कुछ खाने के लिए? सनाया, what's up? अब इट्स अ लॉन्ग टाइम यार। हाय, गिव इट टू मी। डेटिंग शेटिंग? अब कार्तिक, ये है बिट्टू सिंह। बिट्टू? बिट्टू सिंह, मीट कार्तिक। हेलो बिट्टू जी। हेलो। आप तो बहुत ही स्टूडियस टाइप के लग रहे हैं। वैसे कार्तिक आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और तुम वैसे कहां तक पढ़े हो? अरे ये सब तो किताबी पढ़ाई है। यू नो हमारी शनाया कितनी टैलेंटेड है, सिंगिंग, डांसिंग और पता नहीं कितने टैलेंट है इसके अंदर। अरे यू नो हाउ टू सिंग? मैं तो जी गाना, मैं गा नहीं पाता। अरे कम ऑन यार, कम ऑन, फॉर शनाया यू हैव टू सिंग, लेट्स गो। बिट्टू जी, बिट्टू शनाया जी, बाद में मिलेंगे बिट्टू। मैं गाना गा नहीं पाता भाई, ये क्या कर रहा है? ओ भाई मैं बता रहा हूँ, ये है ना, इसे भगा देगा लड़के को। कम ऑन यू पुसी, थोड़ा सा रैगिंग करना है, करना तो क्यूट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मेरा दोस्त कार्तिक, उस खूबसूरत सी लड़की के लिए गाना गाने वाला है। No, Shivam. ये भाई क्या कर रहे तू? Shivam, you have no right to embarrass him like that. और भैया आप लोग क्यों आए हो यहाँ? This is just not done. Shivam, Sana is right. तुझे ऐसे गाना वाना नहीं गवाना चाहिए था, तुझे डांस करवाना चाहिए था। What? You're right. No, Shivam. अभी डांस करवाने जाएगा उसको। Hi, sorry I'm late. कुछ miss तो नहीं किया मैंने? Miss? बिल्कुल नहीं। फिनाले के बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं आप। ये क्या माइक पे प्रपोज करने वाला है? नहीं, गाना गाने वाला है। What? मैंने तो कभी आज तक बाथरूम में भी गाने नहीं गाया जी। आज कोशिश करना चाहता हूँ फॉर समवन स्पेशल। शनाया जी, ये आपके लिए। वो जी, वो कहते हैं कि जोड़िया जी ऊपर से बनकर आती है। कितनी अजीब बात है ना जी, कि कैसे दो अजनबियों के बीच इतना गहरा कनेक्शन हो जाता है। मुझे नहीं पता कि मैं शनाया जी को कितना अंडरस्टैंड करूँगा, पर जी इतना पता है कि अगर जी दोस्ती अच्छी हो गई तो बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाएगी। फेवरेट फ्लावर है ना जी? हाँ, बट इसके तो सीजन नहीं है। तो सीजन यहाँ नहीं है ना शनाया जी, पर जहाँ है वहाँ से लेकर आया। मंजूर है।
इतने दूर से तुझे सिर्फ जानने आया है, नॉट टू स्पेंड टाइम विद यू इन अ होटल. अदरवाइज यू नो हाउ मेन आर राइट, दे जस्ट वांट वन थिंग फ्रॉम अ वुमन. मैरिड मैन हैव अ राइट टू इट, आई बिलीव. राइट, तो शादी इसलिए की थी? नहीं, लेकिन एक शादी में ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है सेतु. बड़ी मेहरबानी है आपकी कि आपने शादी के बावजूद कहीं बाहर मुंह नहीं मारा. Stop it. एक सेकंड, तू मेरा ही फोन ले लो ना. Just call her ना. She must be waiting for you right now. कहीं इस कैफे में तो नहीं है वो? You know what? I'm done. Seriously? Why? Rohit? क्या हो रहा तुम दोनों के बीच में? Hello? Nothing. You guys just have fun. सेतु भाभी. रोहित और सेतु के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स थी और हमें कोई आइडिया ही नहीं था. मैंने सेतु से बात भी करने की कोशिश की. She's just avoiding me. पता नहीं क्या हो गया यार इन दोनों को. इतने रोमांटिक कपल हुआ करते थे. कैन यू इमेजिन, मेरी लाइफ सही चल रही है और उनकी खराब हो गई. यू गाइज आर परफेक्ट, इट गिव्स मी फेथ. तुम और विक्रांत भी तो. शनाया कितनी खुश थी ना आज. जस्ट वांट द बेस्ट फॉर हर एंड आई वांट द बेस्ट फॉर यू. पलक, मुझे नहीं लगता तुम्हें अब और वेट करनी चाहिए. मान लो रिकी भाई एक पल के लिए उनको सब याद आ गया, ठीक है, बट तुम्हें लगता है कि तुम और रिकी भाई वापस वैसे हो पाओगे जैसे थे? हाँ, रिकी भाई विल हैव टू बी मैच्योर अबाउट इट. उनको ये समझना पड़ेगा कि जब वो कोमा में थे थिंग्स चेंज्ड, सब बदल गया. एनीवेज, मेरी कल बोर्ड मीटिंग है, मुझे आ रही है नींद, तो आई विल सी यू इन द मॉर्निंग. ओके, चल, गुड नाइट. बदल तो बहुत कुछ गया है, पर उस वक्त की यादें नहीं बदल सकती जो मैंने ऋत्विक के साथ क्रिएट किए हैं. एक एक लम्हा आज भी मेरी आंखों के सामने आईने की तरह है. ऋत्विक की यादें मेरी जीने का सहारा है. इट मस्ट बी वन ऑफ दो सेवन स्टेजेस ऑफ लव. सेवन स्टेजेस ऑफ लव. Twirl and वो seven stages of love क्या है? तुम सच में जानना चाहते हो? Not really, just curious. तो पहला दिलकशी. दिलकशी? Attraction. दूसरा उन्स. अटैचमेंट. तीसरा मोहब्बत. आई नो. अकीदत. नहीं पता. ट्रस्ट. फिफ्थ इबादत. नहीं पता. वर्शिप. सिक्स्थ जुनून. पैशन. एंड लास्ट मौत. तुम्हें सिर्फ मौत याद है? सिर्फ? इतनी अच्छी मेमोरीज, इतनी अच्छी यादें, और तुम्हें सिर्फ मौत याद है? गोल्ड डिगर याद है? कौन सी मेमोरी? क्या याद होना चाहिए मुझे? प्लीज प्लीज मुझे बताओ. कुछ नहीं. रख प्लीज. कुछ है जो तुम्हें मालूम है जो तुम नहीं बता रहे हो? नहीं. अगर कुछ याद रखने लायक होता तो तुम्हें याद होता ना? पलक, अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, यू हैव टू टेल मी. पलक प्लीज. मुझे कुछ याद नहीं. क्या है? जस्ट टेल मी. कुछ नहीं. गुड नाइट. पड़ी भी कुछ नहीं. क्या क्या याद नहीं है मुझे? कुछ. ऋत्विक, लेट मी गो. पलक, आई एम सीरियस. ऋत्विक, लेट मी गो. उस रात तुम, जिस रात तुमने मुझे बचाया था, क्या? विक्रांत बुला रहा है मुझे. ऋत्विक, मुझे विक्रांत बुला रहा है. अरे यार सॉरी, आज बहुत ज्यादा लेट हो गया. वो लास्ट मिनट ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल आ गया था तो. हाँ वो अच्छा.
वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू। किस चीज में हेल्प? और रोहित और सेतु के बीच आज जो कुछ भी हुआ कैफे में, तुम बात क्यों नहीं करती अपनी फ्रेंड से? मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, इफ दैट्स ओके। तुम्हें सबका कितना ख्याल रहता है ना? मुझे बस तुम्हारा ख्याल रहता है, और जो लोग तुम्हें मैटर करते हैं वो मुझे भी मैटर करते हैं। एंड वैसे भी आई ग्रू अप विद नो फैमिली, तो जो ये नए रिश्ते दोस्ती बनी है बस इसमें इन्वॉल्व रहना चाहता हूँ। लाओ मैं हेल्प कर देती हूँ। थैंक यू। अगर विक्रांत हमें देख भी लेता तो क्या फर्क था? ये पलक विक्रांत की इतनी परवाह क्यों करती है? और अगर करती है तो उसने मुझे क्यों किस किया? ये हो क्या रहा है?